हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित गोयल। वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। कई जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का। काफ़ी अच्छा चैप्टर पढ़ रहे हैं और काफ़ी इजी चैप्टर है। आई होप आप लोगों ने जो वीडियो मैंने अपलोड करी थी, आई होप आप सभी लोगों ने देख ली होगी। और आप लोग जानते हैं कि आपका टेस्ट है और मंडे को आपका टेस्ट होगा, ठीक है। आई होप प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। चैप्टर आप लोगों को बता दिए गए थे, पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फटाफट, पहले टेस्ट होगा आप सभी लोगों का, ठीक है। फटाफट चलते हैं। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। हम जो है कैसे कंपेयर करें डिफरेंट कंट्रीज़ को और स्टेट्स को, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे और बहुत ईजी है। मैं आपको इसके रिगार्डिंग जो है इम्पोर्टेंट नोट्स भी दूंगा, इम्पोर्टेंट नोट्स यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में रिटर्न में है मेरे पास, वो मैं आपको दे दूंगा। फटाफट चलते हैं। यू माइट आस्क आपके मन में है कि आप पूछ सकते हैं, यू माइट आस्क इफ़ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, यानी कि डेवलपमेंट आप लोग जानते हैं डेवलपमेंट का मीन जो है डिफरेंट होता है, अलग अलग मतलब होते हैं। हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप एंड अदर कंट्रीज डेवलप। देखिए क्या होता है, एक होता है कंट्री जो है डेवलप हो चुकी हैं, जैसे कि अमेरिका, कुछ जो कंट्रीज हैं डेवलपिंग कर रही हैं यानी कि विकास कर रही हैं, जैसे हमारी इंडिया है, कंट्री विकास कर रही है, हम लोग बोलते हैं डेवलपिंग नेशन में आते हैं, और अंडर डेवलप्ड हैं। कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जिनका डेवलप मतलब अंडर डेवलप्ड है यानी अविकसित हैं, यानी कि विकसित नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। आई रिपीट अगेन, कंट्रीज जैसा कि ऐसे हैं, कुछ विकसित कंट्रीज हैं यानी कि डेवलप्ड हैं, यानी कि डेवलप ऑलरेडी हो चुकी हैं। डेवलपिंग नेशन वो हैं जो डेवलपिंग नेशन में यानी कि विकसित विकास कर रहे हैं अभी, ठीक है। और अंडर डेवलप्ड जिनका विकास हुआ नहीं अभी तक, यानी अविकसित बोल देते हैं, ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझें। बिफोर वी कम टू दिस, यानी कि इस टॉपिक, इस मुद्दे पे आने से पहले, लेट अस कंसीडर अनदर क्वेश्चन। हम लोग डिस्कस करते हैं, कंसीडर यानी कि जानते हैं, समझते हैं, अनदर क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं, समझते हैं। बहुत ईजी है ये जो पैराग्राफ हम लोग पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, बहुत ईजी है। वेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स, हम जो कंपेयर करते हैं डिफरेंट चीज़ को, वैन वी कंपेयर डिफरेंट अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करते हैं, दे कुड हैव सिमिलरिटीज़ एज वेल एज डिफरेंसेज, यानी कि उनकी कुछ सिमिलरिटीज़ भी होती हैं, एक जैसे भी होती हैं और डिफरेंसेज भी होते हैं। दे कुड हैव यानी कि उनके सेम भी होती हैं, सिमिलर चीज़ें भी होती हैं और एज वेल तथा जो है डिफरेंसेज भी होते हैं। विच आस्पेक्ट्स डू वी यूज टू कंपेयर दें, हमको कौन से आस्पेक्ट को यूज़ करना चाहिए कंपेयर करने के लिए। लेट अस लुक एट द स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ, यानी कि हम लोग इसका अपने स्कूल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्कूल के बारे में हम लोग देख सकते हैं। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट, हम लोग स्टूडेंट लोगों को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट जो लोग हैं कैसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंपेयर कैसे कर सकते हैं। देखिए, दे डिफर इन देयर हाइट में, वो जो है अलग अलग हैं, डिफर अलग हैं इन देयर हाइट में, ठीक है, लंबाई में अलग अलग हैं, हेल्थ में, टैलेंट्स में, इंटरेस्ट में, ठीक है। आप लोग देख पा रहे हैं इस लाइन को, दे डिफर इन देयर हाइट, हेल्थ, टैलेंट्स, इंटरेस्ट में, ठीक है। दे डिफर इन देयर हाइट, टैलेंट, हेल्थ वगैरह, इंटरेस्ट में, ठीक है। उनका डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट है, किसी का वॉलीबॉल में इंटरेस्ट है, किसी का जो है क्रिकेट में इंटरेस्ट है, किसी का हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट है। द हेल्थीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस वन, यानी कि जो हेल्थीएस्ट स्टूडेंट है वो हो सकता है कि पढ़ने में अच्छा ना हो। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी द फ्रेंडलीएस्ट वन, यानी कि जो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ स्टूडेंट लोग ऐसे होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन वो फ्रेंडलीस्ट नहीं होते, यानी कि वो पढ़ाई मतलब कि किसी भी फ्रेंड के साथ दोस्ती करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। आई रिपीट अगेन, द हेल्थीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस वन, यानी कि हेल्थीएस्ट स्टूडेंट जो है जो हेल्दी है तो हो सकता है वो जो है पढ़ने में अच्छा ना हो, ठीक है। द हेल्थीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी मोस्ट स्टूडियस वन, द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो बहुत अच्छा पढ़ने में अच्छा है सब चीज़ों में अच्छा है, मेन और फ्रेंडलीस्ट यानी कि वो अपने फ्रेंड वगैरह से दोस्ती वोस्ती ना करता हो, ठीक है। द क्राइटेरियन सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट, हम स्टूडेंट लोगों को कैसे कंपेयर करेंगे। द क्राइटेरियन वी मे यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पज ऑफ कंपेरिजन, हम लोग क्राइटेरिया यूज़ करते हैं कंपेरिजन के, जो पर्पज़ क्या क्या है यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज होते हैं कंपेरिजन करते हैं हम लोग। वी यूज़ डिफरेंट क्राइटेरियन टू चूज अ स्पोर्ट्स, यानी कि वी यूज़ डिफरेंट क्राइटेरिया, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया यूज़ करते हैं टू चूज़ अ स्पोर्ट्स टीम, यानी कि जिस तरीके से हम कोई भी स्पोर्ट्स टीम को चूज़ करते हैं हम वो चीज़ें देखते हैं। ये द क्राइटेरियन वी मे यूज़ डिपेंड ऑन द पर्पज ऑफ कंपेरिजन, वी यूज़ डिफरेंट क्राइटेरियन
चूज़ ए स्पोर्ट्स टीम, स्पोर्ट्स को चूज़ करने में अ डिबेट टीम यानी कि लड़ाई झगड़े वाला, अ डिबेट टीम, अ म्यूजिक टीम और अ टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक। ठीक है, वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया, हम डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, मापदंड हिंदी में बोलते हैं, मापदंड यूज़ करते हैं टू चूज़ ए स्पोर्ट्स टीम, डिबेट टीम, म्यूजिक टीम और अ टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक। स्टिल इफ फॉर सम पर्पजेज, अभी इसलिए जो है कुछ पर्पजेज के लिए वी हैव टू चूज अ क्राइटेरियन फॉर द ऑलराउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास में, वी हैव टू चूज द क्राइटेरियन फॉर ऑलराउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास में, हम ये ऑलराउंड प्रोग्रेस देखते हैं चिल्ड्रन की, हाउ शैल वी डू इट, यानी कि हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, स्टिल इफ फॉर सम पर्पजेज वी हैव टू चूज, हमें चूज करना पड़ता है क्राइटेरियन फॉर ऑलराउंड प्रोग्रेस के लिए ऑफ क्राइटेरियन इन द क्लास में, ऑलराउंड प्रोग्रेस को चेक करने के लिए, हाउ शैल वी डू इट, यानी कि हम कैसे चेक कर सकते हैं। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो जैसे आप लोग देख भी पा रहे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूजुअली अक्सर जो है वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं ऑफ पर्सन, यानी कि आई रिपीट अगेन, यूजुअली वी टेक्स वन और मोर इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन, यानी कि स्टूडेंट लोगों के पर्सन, यानी कि एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उनकी जो विशेषताएं हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, विशेषताएं देखते हैं, उनको चेक करके डिसीजन मेकिंग करते हैं, डिसीजन लेते हैं, डिसाइड किया जाता है। आई रिपीट अगेन, यूजली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स, हम वन और दो है एक या दो जो है विशेषताएं लेते हैं, करेक्टरिस्टिक्स और विशेषताएं ऑफ पर्सन, किसके कैंडिडेट बोल सकते हैं, पर्सन बोल सकते हैं, स्टूडेंट ले सकते हैं, एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज करेक्टरिस्टिक्स, जो भी विशेषताएं होती है उसके चीज़ों आधार पर चीज़ें की जाती हैं। ये समझना बहुत जरूरी था, ये मैंने आपको बार बार रिपीट किया है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए ऑफकोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेज अबाउट वट आर इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स डेट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपेरिजन, ऑफकोर्स यानी कि देयर कैन बी डिफरेंसेज अबाउट वट आर इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स डेट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपेरिजन, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, क्रिएटिविटी और मार्क्स सिक्योर, यानी कि किसी भी स्टूडेंट की जो है मतलब कि फ्रेंडली कैसा है, वो फ्रेंडली है कि नहीं है, अपने दोस्तों के साथ उसका फ्रेंडली नेचर है कि नहीं है। ठीक है, और स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, अपने फ्रेंड लोगों के साथ कॉपरेशन करता है नहीं करता है, क्रिएटिविटी कैसी है, पढ़ने लिखने में कैसा है, एक्टिविटी कैसे करता है। ठीक है, मार्क्स सिक्योर यानी कि उसके मार्क्स कैसे कैसे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं पैराग्राफ, दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू, यानी कि ये सब चीज़ें भी हम लोग डेवलपमेंट विकास में फॉलो कर सकते हैं। अब हम डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ये जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये तो हम स्टूडेंट एक एग्जाम्पल ले लेता, हमने स्कूल के आधार पर चीज़ें ले ली थी, उसी तरीके से हम डेवलपमेंट लिखते हैं। ठीक है, दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू, यानी कि ये सब चीज़ें हम डेवलपमेंट में भी देख सकते हैं। फॉर कंपेयरिंग कंट्री, यानी कि कंट्री को कंपेयरिंग करने में देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, यानी कि गुड है, क्वालिटी है। आई रिपीट अगेन, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, कंट्रीज को कंपेयरिंग करते हैं जब हम जो है, देयर इनकम, उनकी इनकम इज कंसिडर्ड टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उनका एक गुण है, क्वालिटी है। कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विद लेस इनकम। आई होप आप जो है किताब संग लेके जरूर बैठे होंगे, तो किताब संग साथ में लेके बैठना जरूरी है। ठीक है, अगर किताब नहीं है हाथ में कोई फ़ायदा नहीं है उसका। कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर्स विद लेस इनकम, यानी कि जिन कंट्रियों की इनकम ज़्यादा होती है, अच्छी इनकम होती है, वो ज़्यादा पावरफुल होती हैं, अच्छी चीज़ें सब कर पाती हैं। किसे कंपेयर करें जिनकी इनकम कम है। दिस इज बेस्ड ऑन इन अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग पे बेस है, समझदारी बेस है, दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग नीड, यानी कि जिसकी इनकम ज़्यादा होती है, जिसकी जो उसकी ऑब्वियसली बात है जरूरतें अच्छी तरीके से पूरी होंगी होंगी। वट पीपल लाइक, यानी कि पीपल क्या पसंद करते हैं, एंड शुड हैव, यानी कि उनको क्या करना चाहिए। देखिए सेंटेंस पूरा नहीं हो, कॉमन लग रहा है। दे विल बी एबल टू गेट विद इन गेटर इनकम, यानी कि जो है वो एबल भी रहेंगे गेटर इनकम के, ठीक है, प्राप्त करने में गेटर इनकम में इच्छुक होंगे। देयर विल बी एबल टू गेट विद गेट इनकम, यानी कि अच्छी इनकम जो है प्राप्त कर भी पाएंगे। सो गेटर इनकम इट्सेल्फ इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि जो है गेटर इनकम होना, अच्छी इनकम होना एक अच्छा कंसीडर किया जाता, माना जाता है टू वन ऑफ इंपॉर्टेंट गोल, एक इंपॉर्टेंट उद्देश्य माना जाता है। नाउ वट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री, यानी कि नाउ वट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री, इंट्यूटिवली यानी कि सहज रूप से, द इनकम ऑफ कंट्री इज द इनकम ऑफ द कंट्री
इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, यानी इनकम जो होती है वो सभी की जो है क्या होती है, सभी रेजिडेंट होते हैं जो घर घर होते हैं सभी के टोटल किया जाता है। मैं इस लाइन को जो है आगे वाले पैराग्राफ से रिलेट करूंगा, आपको इमेज भी दूंगा जिससे आपको क्लियर होगा चीज़ें। दिस गिव्स अ टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, जो हमको देती है कंट्री की, कंट्री क्या देती है, टोटल हमको देती है इनकम देती है। ठीक है, देखते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेट हो रहा है। हाउएवर देखिए, जब कभी भी आता है यानी कि उससे पहले पॉजिटिव बात की गई है, अब हाउएवर जब भी आता है तो उस पॉइंट को नेगेटिव पॉइंट में बोला जाता है। हाउएवर फॉर कंपेरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर, यानी कि हाउएवर फॉर कंपेरिजन बिटवीन कंट्रीज, कंट्रीज के बीच में जो कंपेरिजन वाला पॉइंट है, टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर, यानी कि पूरी तरीके से यूजफुल मेजर नहीं है। क्यों नहीं, सारे पॉइंट रिलेट होंगे, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, सारे पॉइंट रिलेट होंगे, अगली वीडियो भी रिलेट करेगी इसी पॉइंट से। आई रिपीट अगेन, हाउएवर फॉर कंपेरिजन बिटवीन कंट्री टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर, यानी कि टोटल इनकम को नाटना सारी चीज़ें करना यूजफुल मेजर नहीं है, सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, कंट्रीज की जो है डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या होती है, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेलस वट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न, यानी कि हमको ये जो है विल नॉट टेलस वट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न, यानी कि एवरेज आदमी क्या कमाता है, कंपेयरिंग इनकम विल नॉट टेलस वट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न, यानी कि एवरेज पर्सन क्या कमाता है। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर्स इन डिफरेंट कंट्री, यानी कि क्या जो है लोग बेटर हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री वाले लोग क्या बेटर हैं। आर पीपल इन वन कंट्री, एक कंट्री के लोग जो है बेटर ऑफ देन अदर्स इन अ डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट कंट्री से क्या लोग बेटर हैं। हैंस इसलिए वी कंपेयर एवरेज इनकम विच इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन, द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटल इनकम। देखिए हैंस इसलिए वी कंपेयर एवरेज इनकम, हैंस वी कंपेयर एवरेज इनकम, हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज द टोटल इनकम, विच इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, यानी कि टोटल इनकम को किससे किया जाता है, टोटल इनकम यानी कि टोटल इनकम, ठीक है टोटल इनकम हो गया, नीचे क्या आएगा हमारी टोटल पॉपुलेशन, ठीक है क्या आएगा टोटल पॉपुलेशन, ठीक है क्या आएगा टोटल पॉपुलेशन, ये नीचे आएगा, ठीक है ये क्या निकला हमको निकल रही एवरेज इनकम, इसी को क्या बोला जाता है एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटल इनकम। अब मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, आप लोग देखिए एवरेज इनकम, मैंने आपको बताया था नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, जो हमारी कंट्री की जो क्या है नेशनल इनकम है, जो कंट्री की जो है यानी टोटल इनकम जो है नेशनल इनकम क्या है, यानी कि पूरी कंट्री की हमारी इनकम क्या है, ठीक है और नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री हमारा क्या फॉर्मूला है एवरेज इनकम का, क्या फॉर्मूला निकल के आ रहा है हमारे आगे नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है कंट्री की नेशनल इनकम क्या है उसके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ये वही है जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है जो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू करा रहा था, ये वही कॉन्सेप्ट है, कोई डिफरेंट नहीं है, ये मैंने आपको लिखित में दे दिया, रिटन में दे दिया ताकि आप अच्छे से और समझ पाओ। एवरेज इनकम, नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है और इसी को क्या बोला जाता है, इसी चीज को क्या बोला जाता है पर कैपिटा इनकम, क्या बोला जाता है पर कैपिटा इनकम, नोट के लिए लिखा हुआ है द एवरेज इनकम, द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, ठीक है इसी क्या बोला जाता है पर कैपिटा इनकम भी बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। आई होप चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। देखिए यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है जो मैंने आपको अभी बताई है, ठीक है हैंस एक बार रिपीट कर देता हूँ, हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन के द्वारा, ठीक है इसे क्या बोला जाता है, इसे पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है। ठीक है नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पैराग्राफ है। देखिए इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में देखिए हम 2006 लिखा हुआ है और आपकी किताब में जो लिखा होगा 2017 लिखा होगा, ठीक है आई थिंक 2017 हो सकता है लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है, ये इस पैराग्राफ का जो है ना मैं मीनिंग थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है थोड़ा देखिए जो नई किताब आई है ना, नई किताब जो आई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, ये थोड़ा सा ना यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है इन वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, यानी कि न्यू किताब है मेरे पास, तो ये पीडीएफ जो है पुरानी है हम लोगों के पास, ठीक है कोई ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ऐसा मैटर नहीं है, ठीक है इन वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट यानी कि इन जो है इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है 2006 इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 की, ठीक है ब्रॉट आउट बाय वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो लाई गई थी, दिस क्राइटेरिया इज यूज इन क्लासिफाइंग कंट्रीज, ये क्राइटेरिया जो है कंट्रीज को डिसाइड करता है, ठीक है कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम यानी कि 453,000 पर एनम
एंड अबव इन 2004 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज, ठीक है, कंट्रीज विद पर कैपिटल इनकम जिनकी है फोल रुपीज़ जो है रुपीज़ में दिया हुआ, और जबकि जो न्यू किताब है डॉलर में दिया हुआ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझना है बस हमको। 453,000 पर एनम एंड अबव इन 2004 आर कॉल्ड, उन्हें क्या जिनकी अबव है यानी कि इससे जो अबव है उन्हें उससे बोला जाता है रिच कंट्रीज, क्या बोला जाता है अमीर कंट्रीज, अमीर देश बोला जाता है। एंड दोज विद पर कैपिटल इनकम 37,000 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज कहा जाता है, क्या बोला जाता है 37,000 और लेस आर कॉल्ड कहा जाता है लो इनकम कंट्रीज कहा जाता है, ठीक है। आई रिपीट अगेन, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देखिए PDF जो है यही है मेरे पास, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं है, बल्कि डॉलर में थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, रुपीज़ में दिया हुआ है बहुत अच्छा दिया, रिलेट कर पाओगे, पहले रुपीज़ में पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग डॉलर में आप लोग पढ़ोगे समझ आ जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ मैं, इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 ब्रॉट ओनली बाय वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाई गई थी, दिस क्राइटेरिया इज यूज इन क्लासिफाइंग कंट्रीज विद पर कैपिटल इनकम कितनी है 453,000 पर एनम एंड अबव इन 2004 आर कॉल्ड रिच कंट्रीज, यानी कि इससे अबव होती है तो क्या बोला जाता है रिच कंट्रीज बोला जाता है, ठीक है, और लेस इनकम होती है तो 37,000 रुपी इनकम है तो उसे क्या बोला जाता है लो इनकम कंट्रीज, यानी कि इंडिया कम्स इन कैटेगरी ऑफ लो इनकम कंट्रीज है बिकॉज इट्स पर कैपिटल इनकम इन 2004 में बहुत जस्ट 28,000 रुपीज़, आप लोग जान पा रहे हैं क्या बोला जाता है इंडिया को, इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो इनकम कंट्रीज बिकॉज ऑफ इट्स इन कंट्री की, यानी कि इंडिया की कितनी है 28,000 रुपीज़, कितनी है 28,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद द रिच कंट्रीज एक्सक्लूड, द रिच ध्यान से सुनेंगे सभी, द रिच कंट्रीज जो अमीर कंट्रीज है कॉमा लगा रहा है, देखिए कॉमा लगा रहा है, एक्सक्लूडिंग यानी कि अलग से, यानी कि इनको हटाकर जो बड़ी बड़ी कंपनी जो बड़ी कंट्रीज हैं तो डेवलप कंट्रीज हैं उनको हटाकर एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट यानी कि मिडिल ईस्ट कंट्री एंड सर्टेन छोटी छोटी कंट्रीज हैं आर जनरली कॉल्ड डेवलप कंट्रीज, यानी कि एक्सक्लूड किसको किया गया है जो मिडिल ईस्ट वाली कंट्री हैं और छोटी छोटी कंट्री हैं इनको हटाकर इनको एक्सक्लूड कर दिया बिल्कुल, तो और कंट्रीज का क्या कहा जाता है रिच कंट्री क्या कहा जाता है डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, पूरा पॉइंट क्लियर हो गया, दो बार वीडियो जरूर देखिए। Thank you so much. Have a nice day.